अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास फिलोंगर नंबर 2 है, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ रियल नंबर एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। उसमें हमारे पास आज एक्सरसाइज है 2.2। इस एक्सरसाइज के लिए हमें पहले कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसा कि बेस क्या होती है, एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट को हम इंडेक्स भी बोलते हैं, और पावर भी बोलते हैं। और तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है, तीसरी चीज़ है हमारे पास लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, कि अगर हमें किसी वैल्यू की पावर्स के ज़रिए हमें उसे मल्टीप्लाई करना है तो वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले बेस क्या होती है, सपोज करें हमारे पास एक वैल्यू है 10^7, तो अब हमें इसमें कैसे पता लगेगा कि इसमें बेस क्या है। हमें ऐसे पता लगेगा कि जो नीचे वैल्यू होगी ना, मतलब बेस की मतलब होता है बुनियादी, तो बेस हमारे पास क्या होगी इसमें 10, तो 10 हमारे पास क्या है बेस। अगर इसी तरह से हमारे पास वैल्यू है 20^7, तो इसके अंदर 20 क्या होगी बेस। इसी तरह से अब हम एक्सपोनेंट पे आ जाएं और यही वैल्यू हम अगर ले लें सेम वैल्यू 10^7, तो अब हमें इसमें कैसे पता चलेगा कि एक्सपोनेंट क्या है। जो बेस के ऊपर पावर होती है ना, मतलब वैल्यू होती है, वो हमारे पास क्या होती है एक्सपोनेंट या पावर। जैसा 7 है, ये हमारे पास क्या है इधर पावर है या एक्सपोनेंट है, सही है। अब हम तीसरा पढ़ते हैं लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, कि अगर हमें किसी वैल्यू की पावर के जरिए हमें उसे मल्टीप्लिकेशन करना है तो वो हम कैसे करेंगे। लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, जैसा कि हमारे पास एक वैल्यू है a मल्टीप्लाई बाय b एंड होल पावर 5, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि ये जो पावर है ना, जितनी पावर है हमारे पास, हम उस इस वैल्यू को उतनी दफ़ा लिखेंगे कि a मल्टीप्लाई बाय बी। ये हमने 5 दफ़ा लिख दिया। अगर हम इसे खोल के लिखें तो ऐसे हो जाएगी a मल्टीप्लाई बाय b। ये हमने इसे खोल के लिख दिया। अब देखिए हमारे पास सेम वैल्यू कौन कौन सी है, एक ये सेम है, सेम ये भी सेम, ये सेम और ये भी सेम। देखिए हमारे पास a कितने, 1, 2, 3, 4, 5, तो हम a की पावर क्या लिख देंगे 5 मल्टीप्लिकेशन की साइन। और इसी तरह से b की कितनी वैल्यू है हमारे पास, 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो हम b की वैल्यू भी 5 लिख देंगे। तो ये था हमारे पास क्या, लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, कि अगर हमें किसी वैल्यू की पावर को हमने फाइंड करना है तो हम इस तरह से वे से करेंगे। ये देखेंगे हमारे पास बहुत लेंथी वे है। अगर हमारे पास ऐसे ये हो a इनको b, पावर हमारे पास हो 20, अब इतनी सारी वैल्यू है, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम सीधा क्या करेंगे कि ये वैल्यू इसके ऊपर भी आ जाएगी, ये इसके ऊपर भी आ जाएगी, a पावर 20 मल्टीप्लाई बाय b पावर 20। चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज का पहला सवाल कहता है कि फाइंड बेस एंड एक्सपोनेंट। हमारे पास पहला सवाल है 7^15, तो अब इसमें मैंने आपको बताया है कि बेस क्या होती है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है बेस होती है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, 7 हमारे पास क्या है बेस है और 15 हमारे पास क्या है एक्सपोनेंट है। इसी तरह से हमारे पास दूसरा सवाल है माइनस का 189 पावर है हमारे पास 19। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बेस हो जाएगी, बेस हमारे पास क्या हो जाएगी माइनस का 189, और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास 19। ये हमारा पहला सवाल हो गया। इसके एक और पार्ट भी है, वो आपको खुद करना होगा।
अब उसके पास दूसरा सवाल ये है कि हमने बताना है फाइंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव रियल नंबर। सपोज करें कि हमारे पास एक वैल्यू है 104 पावर 6। तो अब हमने इसका क्या करना है, पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है कि अगर हम 104 को 4 टाइम लिखें, 6 टाइम लिखें, 104 तो इसके अंदर ये सारी वैल्यूज क्या है हमारे पास, पॉजिटिव हैं। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, हमारे पास पॉजिटिव आएगा। तो हम ये सिंपल ऐसे लिख दें 104 पावर 6 पॉजिटिव। इसी तरह से अगर हम दूसरा सवाल ले लें कि हमारे पास है माइनस का 189 पावर हमारे पास 107। कि देखें ये वैल्यू बहुत बड़ी है और उसके बाद इसकी पावर भी क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो हम इसे नहीं लिख सकते। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि हम इसकी पावर को देखेंगे। अगर पावर हमारे पास इवन में है तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव आएगा, अगर पावर हमारे पास ऑड में है तो हमारे पास आंसर नेगेटिव आएगा। तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे, 189 पावर 107। ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव है। तो अब हम इसका अगर हम तीसरा सवाल कर रहे हैं तो तीसरा सवाल हमारे पास क्या है, माइनस का 20 होल पावर 18। अब मैंने आपको क्या कहा है कि अगर इवन में वैल्यू हमारे पास होगी तो भले वो उसका बेस हमारे पास नेगेटिव में हो तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव 20 पावर 18। हमारे पास ये सवाल भी हो गया, इसके और भी कुछ पार्ट हैं वो आपको खुद करने हैं। अब हमारे पास पावर क्वेश्चन नंबर है इसका 3। अब ये है लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट का सवाल कि अगर हमें एक वैल्यू मिली हुई है वो कह रहा है कि विच वे इज राइट, विच वे इज करेक्ट वे, वे फॉर दिस वैल्यू। वैल्यू हमारे पास क्या है, 83 मल्टीप्लाई बाय 31 पावर 11। तो अब उन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है कि फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 83 विथ 31 देन फाइंड पावर। एक ये स्टेटमेंट लिखी हुई है और एक दूसरे स्टेटमेंट लिखी हुई है। दूसरे स्टेटमेंट में क्या है, फर्स्ट वी फाइंड पावर ऑफ 38 देन मल्टीप्लाई विथ 83। अब हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं अलग से कि हमारे पास अगर वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट की पावर सॉल्व करेंगे। 10 की पावर अगर हम 2 लिखें, मतलब 10 × 10 लिखें तो हमारे पास क्या आता है आंसर, 9 × 100। और फिर हम इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 900। तो हमारे पास ये तरीका होता है लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट को करने का। तो इसमें पहले स्टेप में बोल रहा है कि हम इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करें फिर हम इसकी पावर सॉल्व करें, तो ये हमारे पास क्या है, रॉन्ग वे है। और दूसरे के अंदर बोल रहा है कि हम पहले उसकी क्या करें, पावर सॉल्व करें, पावर हमने सॉल्व की फिर उससे मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास क्या है, करेक्ट वे है, करेक्ट। तो अब हमारे पास चौथा सवाल है, उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा होगा। चौथा सवाल है कि सिंप्लीफाई ऑफ फॉलोइंग। पहले हमारे पास सवाल है माइनस का 91 मल्टीप्लाई
पावर है हमारे पास फोर। मैंने आपको कहा है कि अगर इवन में पावर होगी तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो 91 देखिए, 91 बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इसकी हम पावर सॉल्व नहीं कर सकते, बस इसकी हम साइंस को हम चेंज कर देंगे, क्योंकि इवन में को 91 पावर 4 इसका आंसर हो जाएगा। इसी कारण से हमारे पास दूसरा है ए मल्टीप्लाई बाय ए पावर 2 मल्टीप्लाई बाय ए पावर 4 मल्टीप्लाई बाय ए पावर 6। जब हमारे पास बेस सेम हो तो उनकी पावर हमारे पास क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो हम इनकी बेस को कॉमन लिखते हैं और 2 + 4 + 6, तो ये हमारे पास टोटल आंसर क्या हो जाएगा, ए पावर 12। इसी कारण से हमारे पास तीसरा सवाल है 3 × 5 × x / y, तो इसकी पावर हमारे पास क्या है, 15। तो मैंने आपको कहा है कि अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो सिंपली हम क्या करेंगे, 3 के ऊपर पावर इसकी दे देंगे जो है, मल्टीप्लाई बाय 5 के ऊपर भी सेम पावर। अब देखें x और y आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं, तो x और y के ऊपर अलग अलग पावर आएगी। x के ऊपर पावर आ जाएगी 15 और y के ऊपर पावर आ जाएगी 15। तो ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसके कुछ और पार्ट्स भी हैं, वो आपको खुद करने पड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका सवाल हो तो कमेंट्स में जरूर पूछेगा।